हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक्सपेरिमेंट एकर आइडियाज़ में। गाइस, इस वीडियो पर मैंने एक 18650 लिथियम आयन बैटरी का चार्जर बनाया है और इसको बनाया मैंने पीवीसी पाइप से। इसको बनाना काफ़ी इजी है और इसको आप पेन ड्राइव के जैसा मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो गाइस, इसको मैंने किस तरह से बनाया है पूरी डिटेल के साथ है इस वीडियो पर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इसको मैंने किस तरह से बनाया है आगे वीडियो में देखते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं एक पीवीसी पाइप लिया हूँ। इसका डायमीटर आपको दिखा देता हूँ। ये 0.5 इंच पीवीसी पाइप है। इसका लंबाई 11.5 सेंटीमीटर है। और मैंने एक बैटरी होल्डर लिया है, 18650 का ये बैटरी होल्डर है। और इसको हम इस तरह से यहाँ पे बिठाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करके कटिंग करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पेंसिल से हमें मार्किंग कर लेना है कुछ इस तरह से। मार्किंग किया हुआ जगह को हेक्सा से कटिंग करना है। आधे से थोड़ा कम हमें कटिंग करना है। और दोनों तरफ इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने मार्किंग करके ले लिया है। अभी इस पार्ट को हमें कटिंग करके हटा देना है पूरा, क्योंकि होल्डर को हमें इसके अंदर बिठाना है। तो गाइज, आप देख सकते हो हमने होल्डर के हिसाब से कटिंग करके ले लिया है और अच्छे से उसको फिनिशिंग भी कर दिया है। होल्डर उसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिट भी आ रहा है। हमने एक पीवीसी शीट काट कर लिया है राउंड शेप में और उसके हिसाब से हमें इस जगह पे उसको इंस्टेंट ग्लू से चिपका लेना है। और गाइज, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो होल्डर है हमने उसका वायर को थोड़ा लंबा कर लिया है। आप देख सकते हो दोनों वायर को हमने थोड़ा लंबा कर लिया है और इस जगह पर हमें एक होल करना पड़ेगा। तो ड्रिल से फटाफट से होल कर लेते हैं। गाइज, अब इस होल से हमें दोनों वायर को अंदर डालकर बाहर निकाल लेना है और होल्डर को पीवीसी पाइप के अंदर कुछ इस तरह से हमें बिठा लेना है और इंस्टेंट ग्लू से उसको चिपका के फिक्स कर देना है। गाइज, आप देख सकते हो हमने होल्डर को इंस्टेंट ग्लू से चिपका के अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और इस वायर को हमें यहाँ से काट देना है और इसको अभी साइड में रखते हैं। गाइज, बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लिया हूँ और दो LED यहाँ पे लिया हूँ। और इस दोनों LED को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बदले ये दो LED को हम लगाएंगे यहाँ पे। ये वाला LED रेड है तो इसको हटा के हमें यहाँ पे रेड LED लगाना पड़ेगा और इस वाले LED पे हमें ब्लू LED लगाना पड़ेगा। तो हमने हटा दिया है LED को, आप देख सकते हो। अभी ये दोनों LED को यहाँ पे हमें सोल्डरिंग कर देना है। पॉजिटिव और नेगेटिव देख के आपको सोल्डरिंग करना है यहाँ पे। गाइज, हमने दोनों LED का कनेक्शन कर दिया है। गाइज, अब क्या करना है, ये जो बैटरी का होल्डर से जो दो वायर आया है उससे हमें कनेक्शन करना है। B+ में रेड वाला वायर कनेक्शन करना है, B- में ब्लैक वाला वायर कनेक्शन करना है। कनेक्शन हो चुका है गाइज। अब क्या करेंगे, ये एक USB सॉकेट हमें लेना है। ये एक मेल सॉकेट है और इस सॉकेट को हमें फटाफट से काट के निकाल लेना है। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा पिन पॉजिटिव है, कौन सा साइड नेगेटिव है। ये वाला नेगेटिव है और इस तरह से हमें रखना है इस सॉकेट को। और ये वाला पॉजिटिव है, पॉइंट आप देख रहे हो। ये वाला नेगेटिव है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे। गाइज, हमने कनेक्शन करके ले लिया है। अभी चार्जिंग मॉड्यूल में कनेक्शन कर देंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में हमने कनेक्शन कर दिया है। गाइज, आप देख सकते हो इस तरह से आपको कर लेना है। गाइज, यहाँ पे हमें दो होल करना पड़ेगा LED के लिए। तो फटाफट से इसका मार्किंग करके LED के लिए होल कर लेते हैं। गाइज, हमने LED के लिए होल कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी चार्जिंग मॉड्यूल और LED को अपने अपने जगह पे अंदर डाल के सेट कर लेंगे। गाइज, LED को इतना बाहर नहीं रखना है, अच्छा नहीं दिख रहा है इसे। तो LED को थोड़ा सा इस तरह से दबा के उसमें इंस्टेंट ग्लू डाल के फिक्स कर देंगे। गाइज, आप देख सकते हो इससे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और USB सॉकेट के लिए हमने एक राउंड शेप में PVC शीट काट कर लिया है और इसके ऊपर मार्किंग करके हमें उसके हिसाब से कटिंग करके ले लेना है। गाइज, हमने USB सॉकेट के हिसाब से कटिंग करके फिनिशिंग करके ले लिया है। अभी चार्जिंग मॉड्यूल में इंस्टेंट ग्लू लगा के उससे भी फिक्स कर देंगे। और गाइज, इसमें थोड़ा हम टेप इसलिए लगा रहे हैं PVC शीट उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाए इसलिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शीट को इसके अंदर डाल लेंगे और इसमें भी इंस्टेंट ग्लू लगा के चिपका देंगे।
गाइस पीवीसी शीट पर इंस्टेंट ग्लू से काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गया है। अभी क्या करेंगे, उसको ढक्कन को बंद करके हमें उससे भी इंस्टेंट ग्लू लगा के फिक्स कर लेना है। गाइस पीछे के साइड को भी पैक कर देंगे, तो उसके लिए मैंने एक पीवीसी शीट से राउंड शेप में कटिंग कर लिया है, उसे लगा के हमें इंस्टेंट ग्लू से उसे भी चिपका लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा लिथियम बैटरी का चार्जर बिल्कुल बनकर रेडी है। और अभी क्या करेंगे, इसको चार्जिंग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चार्जर ले लिया है, ये ओप्पो का 1 एम्पियर का चार्जर है, तो इसमें हमने पेन ड्राइव के जैसा लगा लिया है। 220 वोल्ट में हमें डायरेक्ट इस तरह से लगा लेना है। अभी देख सकते हो हमने बैटरी नहीं डाला, इसलिए ग्रीन LED जल रहा है। अभी हमने 4 सेल लिया है यहाँ पे, एक सेल आपको लगा के अभी दिखाता हूँ। बैटरी को होल्डर में लगा लिया हूँ, अभी इसको चार्जिंग में लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने चार्जर में डाला, ये रेड LED जलने लगा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। अभी दूसरा सेल को लगा के आपको दिखाता हूँ, ये वाला बैटरी भी जल रहा है रेड LED, इसका मतलब ये वाला बैटरी भी चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हो जैसे हमने ऊपर किया, ये ग्रीन LED जल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब टच नहीं हो रहा है इसके वजह से। अभी इस वाले बैटरी को आपको लगा के दिखाता हूँ, ये वाला बैटरी को भी ये चार्ज कर रहा है। गाइस इस वाले बैटरी को हमने काफ़ी टाइम के लिए चार्जिंग में लगा के छोड़ दिया था, तो ये बैटरी का चार्ज फुल हो चुका है, इसलिए ये ग्रीन LED जल रहा है। तो गाइस आप लोगों को ये वाला गैजेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।